अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताना, अभी शादी मेरी नहीं हो रही थी। मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी, उसकी एक वजह थी। मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि लोग, भैया माइक तुम्हारा कमजोर हो रहा है, अब क्या बात है? अच्छा ठीक है। मैंने देखा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि जब लड़की वाले पूछते थे मेरे पिताजी से कि लड़का करता क्या, तो मेरे पिताजी बताते मेरा लड़का हंसाता है, मेरी शादी टूट जाती थी। 14-15 मेरी शादी टूट गई, 15वीं शादी मेरी तय हो गई, तो मेरे पिताजी को शक हुआ कि भाई लड़की वालों ने हाँ क्यों कर दिया। मेरे पिताजी लड़की वाले से पूछने लगे, ये बताइए भाई साहब ने मेरे लड़के को क्यों पसंद करा, मेरा लड़का तो हंसाता है। कहने लगे देखिए भाई साहब, आपका लड़का हंसाता है और हमारी लड़की है दिमाग से पैदल, थोड़ी सी दिमाग से हल्की है, हंसती बहुत है, कोई फंसा नहीं। मैंने कहा तुम फंस गए, चलो शादी निपटा दे। खैर मेरी शादी तय हो गई। जिस दिन मेरी शादी उस दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा था, और जैसे मैं घोड़े के ऊपर बैठा, मेरे दोस्त मुझको देख के कहने लगे, जैसे बड़ी घोड़ी की पूंछ में आग लगा दी, बम फूटा धड़ाम। मेरी बारात इधर जा रही थी, घोड़ी मेरी इधर भाग रही थी, और घोड़ी जब भागती तो कैसे उसके पैरों से आवाज निकलती, उसकी आवाज में निकालना हो लगे कि इस रोड पर घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा, तभी ताली बजाना, वरना ताली ना बजाना, आपको दुर्गा माँ की कसम है, जब लगे कि घोड़ा दौड़ रहा है तभी ताली बजाना, वरना ना बजाना। पहले घोड़े की दौड़ने की आवाज, उसके बाद आगे की कहानी। मेरे पिताजी का मोबाइल आया, बोले कहाँ हो? हमने बाबूजी भाग रहे हैं। तो बोले बेटा किसके साथ भाग रहे? हमने कहा घोड़ी के साथ भाग रहे हैं। बोले भाग, 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 भागना तो दुल्हन के साथ भागते, खैर कोई बात नहीं, मुझे ढूंढ ढांड के लाया गया, मेरी शादी हो गई। जैसे मैं सुहागरात के अंदर कमरे में पहुंचा, मेरी पत्नी मुझको देख के हंसने लगी। तो मैंने कहा हंस क्यों रही हो? कहने लगी तुम काले बहुत हो। तो मैंने कहा किसने कहा मैं काला हूँ? खैर कोई बात नहीं, उसने मुझे दूध दिया, मैंने दूध पिया, फिर हंसने लगी, कहने लगी तुम मेरी तारीफ करो। तो मैंने कहा तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी अर्चना हो, तुम मेरी आराधना हो, फिर हंसने लगी। हमने अब क्या है, बोली हम तुम्हारी तारीफ करें? मैंने करो। कहने लगी तुम भी तो मेरे कानपुर वाले राकेश हो, तुम भी तो बर्रा वाले मेरे दिनेश हो। अच्छा लग रहा, थोड़ी तालियां बजा दे, मुझे पता चलेगी अच्छा लग रहा है। अच्छा मोबाइल पे मेरे जो दोस्त लोग, वो लोग क्या झूठ बोलते, किसी से पैसा लेना आप उसको फोन करिए। हाँ राजू भाई, हाँ भैया, अरे भाई अपने दिनेश भाई से बोलो यार पैसा दे दे। लो भैया तुम ही दिनेश से बात कर लो, दिनेश भाई ने फोन। हाँ भैया बताइए। अरे दिनेश भाई पैसा कब दोगे? अब पता चला वो कानपुर में बैठा आपको समझा रहा है। भैया लखनऊ में है। तो यार पैसा कब दोगे? भैया 2 दिन बाद देंगे। आपने 2 दिन बाद फिर उसे कॉल किया? हाँ दिनेश भाई आ गए क्या? नहीं भैया दिल्ली में। कल तो तुम लखनऊ में थे। हाँ भैया दिल्ली में। कब आओगे? 2 दिन बाद आएंगे। आपने 2 दिन बाद फिर उसे कॉल किया? हाँ आ गए। नहीं भैया दुबई में। कल तो तुम दिल्ली में थे। हाँ भैया दुबई में। अब जिसका पैसा है परेशान हो गया, शाम को घर पहुंच गया, देखा दिनेश भाई छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, नीचे गेट में खड़े होकर फोन कर दिया। हाँ दिनेश भाई आ गए क्या? नहीं भैया दुबई में है। तो बेटा नीचे आओ। तो भैया तुम कहाँ हो? बेटा दुबई गेट पर खड़े हैं। सबसे बड़ी बात, जब से ये मैंने देखा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला मामला चला है और इनके हाथ में मोबाइल आया, तो एक नया शब्द आपको सुनने को मिला होगा। अगर प्रेमी और प्रेमिका से लड़ाई हो जाए, प्रेमी फोन करता है मोबाइल से अपनी प्रेमिका को, हेलो, तो वो नया शब्द क्या आपने सुना नहीं होगा, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा मार्केट के अंदर। जैसे प्रेमी ने फोन किया, हेलो, हाँ बाबू, फालतू बात ना करना, तुमको होंक देंगे आके वहां पर। तुमसे हमने कल कहा था कि दुबई नगर आओ। बाबू हमारी बात तो सुनो, बात सुनो, गोंडा वाली मौसी आ गई। हाँ बाबू तुम नाराज क्या हो रहे हो? अच्छा सुनो, बर्रा देखा? बर्रा हाँ बाबू देखा है। वहां पर रोड का काम चल रहा, बहुत बड़ा गड्ढा है। तो कहा बाबू गड्ढा में मिलियो का? फालतू बात ना करो, वहां रोड उलाड़ खड़ा हुआ, इसी पीछे बैठ के हम लोग बात करेंगे। और बाबू कोई आग हुआ तो? नगर निगम का बोर्ड ने रखा है, कृपया धीरे से निकले, काम जारी है। धन्यवाद।